नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। 5 दिन तक चलने वाला पंचतीर्थ स्नान बुधवार से शुरू हो गया। देव उठनी एकादशी के दिन हजारों लोगों ने सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। अल सुबह से श्रद्धालुओं का सरोवर के घाटों पर जमावड़ा शुरू हो गया और जैसे जैसे दिन बढ़ा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इन 5 दिनों तक 33 करोड़ देवी देवता पुष्कर सरोवर में निवास करते हैं और इस अवधि में स्नान करने से लोगों को पापों से मुक्ति मिलती है। और एकादशी से पूर्णिमा तक 5 रोज का पंचतीर्थ स्नान माना जाता है और आज के दिन से ही भगवान ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ में बैठ करके इस षष्ठी का पंच महायज्ञ किया था और उसी की मेमोरी में आज तक ये मेला भरता आया है। और इस मेले में हजारों यात्री लोग आते हैं, गरीब साधु संत ब्राह्मण लोग आते हैं और जो गरीब गाँव के जो गरीब बुजुर्ग लोग आते हैं जो विधि विधान से अपने पूर्वजों का पिंडदान पूजा कर्मकांड नहीं कर सकते हैं वो इन 5 दिनों में आकर के अपनी यथा योग्य अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान कर्मकांड करते हैं और अपने पूर्वजों की मोक्ष करते हैं। हम नासिक से आए हैं और ये ग्रंथों में पढ़ा है कि यहाँ पर आज के दिन पिंडदान करने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए नासिक से हम पिंडदान करने के लिए इधर आए हैं और अभी पिंडदान चल रहे हैं। कैसे पता लगा आपको? ये ग्रंथों में पढ़ा है और ग्रंथ में इस यहाँ का बड़ा महत्व है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। पुष्कर तीर्थ में भले ही श्रद्धालु अपनी आस्था का दामन थामे आए हों, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने मर्यादाओं की जमकर धज्जियां उड़ाई। व्यवस्था और सुरक्षा की आड़ में जिस तरह धार्मिक परंपराओं को तोड़ा गया उससे न केवल पुलिस और प्रशासन की छवि धूमिल हुई बल्कि पुष्कर मेले के प्रति बढ़ती जा रही संवेदनहीनता भी खुलकर सामने आई। कुछ पुलिस वाले जूते पहनकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे तो कुछ अपने निजी कार्यों में मोबाइल पर व्यस्त थे। धार्मिक धरा पुष्कर में बुधवार को पूरा माहौल धर्ममय हो गया। एक ओर जहां सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक आध्यात्मिक यात्रा निकली, वहीं दूसरे ओर हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य महसूस किया। आध्यात्मिक यात्रा जगत पिता ब्रह्मा मंदिर से शुरू होकर पुष्कर के मुख्य बाजारों से होती हुई मेला मैदान पर सम्पन्न हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर वैभव गालरिया, उपखंड अधिकारी राष्ट्रदीप यादव और प्रशिक्षु IAS ओम प्रकाश कसारा ने विभिन्न धर्मों से जुड़े लोगों की अवगानी की। यात्रा में एक से बढ़कर एक झांकियां सजाई गई जिसमें किसी ने भगवान के जीवन की लीलाओं का चित्रण किया तो किसी में समाज को संदेश दिया गया। यात्रा में भारत की विविधता में एकता की छवि देखने को मिली। आध्यात्मिक रैली में एक स्कूल की रैली आकर्षण का केंद्र रही जिसमें बच्चों ने आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। आध्यात्मिक यात्रा में साधु संतों सहित सभी धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत द्वार बनाकर स्वागत किया गया। अलग अलग धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई। आध्यात्मिक यात्रा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का एक स्थायी फीचर बन चुकी है। इस यात्रा के दौरान सभी धर्मों के प्रतिनिधि, सभी साधु संत इस यात्रा में पूरे पुष्कर शहर में साथ साथ चलते हैं। विभिन्न धर्मों के द्वारा झांकियां लगाई जाती हैं और एक सर्वधर्म संभाव का और धर्म के माध्यम से इस आत्मिक सुधार का एक संदेश दिया जाता है और इसके साथ ही एक इसकी अंतर्राष्ट्रीय एक आकर्षण बन गया है पर्यटकों के लिए, जहाँ पर एक ही स्थान पर सभी धर्मों की जो पिक्चर है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को एक जगह मिलती है। देवताओं को भी दुर्लभ जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा पे प्रतिवर्ष लगने वाला कार्तिक मास का मेला जो एकादशी और इससे पूर्णिमा तक भरता है, जहाँ देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ कौतूहलवश चले आते हैं और उसी को देखते हुए प्रतिवर्ष यहाँ आध्यात्मिक पदयात्रा का आयोजन होता है जिसमें देश और प्रदेश और जिले से पधारे हुए संत महात्मा गण उसमें होते हैं और सभी धर्म और जाति समुदाय की झांकियाँ उनकी संकीर्तन मंडलियों के साथ में एकादशी के दिन सुबह
गायत्री शक्तिपीठ से यात्रा प्रारंभ होकर पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों के सामने से होते हुए, मंदिरों के सामने से होते हुए पूरे तीर्थ की परिक्रमा लगाकर और विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश इस आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से सबको दिया जाए।